वेलकम टू शायस में हुश्यवानगी शर्मा एंड हेयर वी आर विद आर फिफ्थ थीम और चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री सो जो पहले के चार चैप्टर थे वो हमारी एक बुक के थे सो ठीक है हमारी ट्वेल्थ क्लास में ऑफकोर्स तीन बुक्स है सो फर्स्ट फोर चैप्टर वॉज ऑफ़ द फर्स्ट बुक एंड फ्राम चैप्टर नंबर फाइव वी आर ऑन द सेकेंड बुक ओके सो ठीक है सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड बुक और द थीम फाइव इज थ्रू द आइज़ ऑफ़ ट्रैवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी ठीक है सर so, देखो इस टाइम पे काफ़ी जो है वो ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रैवलर्स और फिलासफर्स आए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मतलब हमारी सोसाइटी को स्टडी करा और हमारी सोसाइटी के बारे में उन्होंने लिखना शुरू करा प्रसप्शन बनाने शुरू करे थे थी, ठीक है सो so, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो so ये जो टाइम है ठीक है जो इसमें हम टाइम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है टेंथ सेंचुरी से सेवेंटीन सेंचुरी तक मतलब टेंथ सी ई टू सेवेंटी सी ई ठीक है सो देखो लोग ट्रैवल क्यों करते हैं किसी भी लोग किसी को अगर आप भी ट्रेवल करते हो तो ट्रेवल करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं फर्स्ट इज़ सर्च ऑफ वर्क हो सकता है कि आप काम की तलाश में ट्रैवल कर रहे हो सेकेंड ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आप अभी तक रहते थे वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो सपोज़ वहाँ पे फ्लड आ गई हो तब भी आप ट्रैवल करके किसी सेफ जगह में जाना आप प्रेफर करोगे राइट फिर Uh, अगर आप ट्रेडर हो मर्चेंट हो प्रीस्ट हो पिलग्रिम्स हो तो भी जो है लोग ट्रेड कर uh, सॉरी ट्रेवल करते हैं ठीक है उसके बाद कुछ लोग एडवेंचर के लिए जो है ट्रेड करते हैं uh, सॉरी ट्रैवल करते हैं राइट सो so, देखो जब भी कोई पर्सन किसी नई जगह पे जाता है किसी नई uh, किसी नई लोकेशन में जाता है सो so, उसको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि नई होती है राइट डिफरेंट होती है उस जगह से जहाँ पे वो अभी तक होता है ठीक है जैसे अगर आप अभी अभी जहाँ पर भी आप रहते हो आपका होम टाउन या जहाँ पे भी, भी आप रहते हो वहाँ से अगर आप कहीं और ट्रैवल करके जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी चाहे वो लैंडस्केप हो चाहे फिजिकल इन्वायरमेंट हो कस्टम्स हो लैंग्वेजेस हो बिलीव्स हो या लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो हो ठीक है सारी चीज़ें अलग अलग होती है ठीक है जैसे मान लो आप अभी तक पंजाब में रहते थे और आप पंजाब और आप ठीक है सो आप अभी तक जो है वो पंजाब में रहते थे और so, पंजाब से आप गुजरात ट्रैवल करते हो सो so, आप गुजरात में देखोगे कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अलग है राइट गुजरात की जो लैंग्वेज है वो अलग है गुजरात में आप देखोगे लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ के कस्टम्स अलग है राइट वहाँ का फूड भी अलग है राइट फूड भी अलग अलग होता है लोगों का ठीक है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लोग जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो अलग अलग है लोगों के बिलीव्स अलग अलग है ठीक है लोग कुछ और मानते हैं नई चीज़ें वो मानते हैं ठीक है so, सो ऐसी ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं जब भी हम किसी नई जगह पर ट्रेवल करते हैं ठीक है सो अगर हम देखें जो अकाउंट्स हमारे जो अकाउंट्स हमारे पास है कि कितने लोग जो है वो ट्रैवल किया करते थे पुराने टाइम पे सो so उस टाइम पे मेंस जो है वो ज़्यादातर जो है ट्रैवल किया करते थे और वुमेन्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम ट्रैवल किया करती थी सो so वुमेंस के जो ट्रैवल अकाउंट्स हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं मिले हैं ऑलमोस्ट ठीक है सो so अब हमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं so सो कहीं जाके जो एक दो ट्रैवल किया करती होंगी बट उनके बारे में किसी ने लिखा नहीं था ठीक है so, सो ये जो अकाउंट्स है बेसिकली अकाउंट्स का यहाँ पे मतलब है जो ये ट्रैवलर्स लिखा करते थे उसमें बेसिकली किन चीज़ों के बारे में वो बताते थे वो कोर्ट्स के बारे में बताते थे मतलब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कैसा जो है लोग वहाँ पे काम करते हैं ठीक है वहाँ का राजा कैसा है इन सब के बारे में वो लिखते थे उसके बाद वो रिलीजियस इशू के बारे में लिखते थे कि लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं ठीक है उसके बाद आर्किटेक्चुर फ़ीचर्स और मोन्यूमेंट्स ठीक है वैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि बहुत ही एक विजयनगर की सिटी है ठीक है उसको काफ़ी सारा डिस्क्राइब किया गया है ठीक है फिफ्टीन सेंचुरी में जब अब्दुल रजक अब्दुल अब्दुल रजक समरकंदी ठीक है जब ये आए थे ये हैरात से आए थे ठीक है हैरात से उन्होंने विजिट करा था तब उन्होंने ये सब कुछ देखा और उन्होंने विजयनगर के बारे में काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली उन्होंने लिखा था ठीक है सो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम यहाँ पे तीन ऐसे मेंस के अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले तीन ऐसे मेंस हैं जिनके जिन्होंने ऐसे अकाउंट्स यहाँ पे बनाए थे ऐसी बुक्स इन्होंने लिखी थी मतलब ऐसा इन्होंने टेक्स्ट बनाया था जिसको हमें पढ़ के पता चल रहा है कि हाँ ये ट्रैवलर्स थे तो ट्रैवलर्स की क्या थिंकिंग थी ठीक है so, सो उनमें से फर्स्ट है अल अल बिरूनी जो कि उज्बेकिस्तान के थे कहाँ के उज्बेकिस्तान और ये कब आए ये एलेवन्थ सेंचुरी में आए थे ठीक है उसके बाद इबन बतूता इबन बतूता मोरक्को से आए थे वो भी वो Uh, मतलब जो कि नॉर्थ वेस्टन अफ्रीका में कब आए थे वो आई थी फोर्टीन सेंचुरी में और एक फ्रेंच मैन जिनका नाम है फ्रांसिस ब्रेनियर वो उनके बारे में हम सेवेंटीन सेंचुरी में वो आए थे ठीक है और इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल बिरूनी एंड किताबुल हिंद सो ये जो किताबुल हिंद है ये अल अल बिरूनी की बुक है जो कि उन्होंने इंडिया के ऊपर लिखी थी ठीक है सो अल बिरूनी का बोर्न बर्थ हुआ था नाइन में नाइन ठीक है कहाँ पर ख्वारिज़म में सो so, जो ख्वारिज़म है वो आज उजबेकिस्तान है ठीक है so, सो ख्वारिज़म एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का और वैसे ही जो अल बिरूनी है, वो भी एक उनकी वो उनको अपने टाइम पे काफ़ी एजुके बेस्ट एजुकेशन मिली थी वहाँ पे जो भी बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल थी वो उन्हें उन्होंने रिसीव करी थी ठीक है उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी उनको साइरियक आती थी जो कि लैंग्वेज सीरिया में बोला जाती है उन्हें अरेबिक आया करती थी ठीक है उन्हें पर्शियन आती थी उन्हें हिब्रू आती थी हिब्रू कौन सी लैंग्वेज है जो ज्यूस बोला करते थे राइट और उन्हें संस्कृत तक भी आया करती थी ठीक है उन्हें ग्रीक नहीं आया करती थी ठीक है उन्होंने ग्रीक नहीं सीखी थी बट एक ग्रीक फिलोसोफर थे प्लाटो और और भी ज़्यादा ऐसे बहुत ही ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर थे जिन उनकी जिनकी जो बुक्स हैं उनका अरेबिक ट्रांसलेशन किया गया था और उनको अरेबिक तो आती थी ठीक है so, सो 1017 में जब सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिजम में इन्वेड किया था तब उन्होंने काफ़ी स्कॉलर और पोइट्स को किडनैप कर लिया था ठीक है जब उन्होंने वहाँ पे अटैक किया तो उन्होंने काफ़ी ऐसे स्कॉलर्स और जो पोइट्स उनको किडनैप करके वो अपने साथ उनको अपने कैपिटल में आए ले आए ठीक है कौन गज़नी ठीक है so, सो कहाँ पर जो कैपिटल है कैपिटल कौन थी गजनी थी वहाँ की कैपिटल ठीक है so, सो अल बिरूनी भी उनमें से एक थे जब वो गज़नी में आए तो वो बंदी बनकर ही आए थे ठीक है बट उन्हें वो सिटी उन्हें गजनी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो उन्होंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ अपनी बची हुई सारी लाइफ जो है वहीं काटी और सत्तर साल की उम्र में जो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई ठीक है so, सो गज़नी में जो अलबिरनी थे उन्होंने उनको ना इंटरेस्ट जागा इंडिया में कि हाँ इंडिया इतना सब कुछ है ठीक है सो इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट आया ठीक है जैसे क्योंकि उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी सो so उन्होंने एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसी चीज़ों में उन्होंने जो कि संस्कृत में लिखी गई थी उनको पढ़ा और उनको अरेबिक में उन्होंने ट्रांसलेट करा एट्थ सेंचुरी में उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था ठीक है सो फिर उसके बाद पंजाब जो है पंजाब में जब मतलब गज़नी ने जो है पंजाब में इन्वेड करा वहाँ पे अपना एम्पायर बनाया तब वो जो है इंडिया में भी इंडिया के एक पार्ट में भी वो आ सकते थे ठीक है so, सो अलबरूनी ने ना अपना अलबरूनी को मतलब उन्होंने जो भी ब्राह्मण प्रिस्ट थे और जो स्कॉलर्स थे उनके साथ उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ताकि वो संस्कृत पढ़ सके उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को भी पढ़ा ठीक है सो अब काफ़ी ऐसी चीज़ें थी ठीक है देखो जब जब पंजाब को इन्वेट किया गया तब वो, तब वो ट्रैवल करके पंजाब आए और उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी उन्होंने ट्रैवल करा ठीक है सो जो ट्रैवल लिटरेचर था वो अरेबिक लिटरेचर के काफ़ी सारे पार्ट्स पे जो है एक्सेप्ट ऑलरेडी किया गया था ठीक है उनका जो लिटरेचर था वो सहारा से लेकर जो वॉल् नॉर्थ में जो वॉल् रिवर है वहाँ तक का उन्होंने बताया गया था इसका मतलब उन्होंने लगभग पूरा इंडिया ट्रैवल किया हुआ था उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी ठीक है सो काफ़ी ऐसे लोग हैं इंडिया के जिन्होंने अलबरूनी से अलबरूनी के बारे में पढ़ा था पंद्रह से पहले ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड के पहले काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्बिनोनी के बारे में पढ़ा हुआ था इंडिया में ठीक है किताब उल हिंद सो so, ये किताब उल हिंद जो है वो अरेबिक में लिखी गई थी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ल्यूसड थी ताकि कोई भी नॉर्मल पीपल भी उनको पढ़ सके कोई नॉर्मल लोग घर सोसाइटी का भी उसको ईजीली पढ़ सके काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस टेक्स थी मतलब बहुत ही आ, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें वॉल्यूम था बहुत ही ज़्यादा इसमें कंटेंट था ठीक है 80 चैप्टर इस बुक में थे ठीक है 80 चैप्टर्स थे जिसमें रिलीजन फिलोसफी फेस्टिवल्स एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी मैनर्स एंड कस्टम्स सोशल लाइफ विल्स एंड मेजर्स फिर इकोनोग्राफी लॉज एंड मेट्रोलॉजी ठीक है ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी थी उसमें सो so, जब एक सो so, यहाँ पे देखो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जब कोई पर्सन जब कोई ट्रेवलर आता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो वो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देता है वो वेट्स और मेजर्स पे भी ध्यान देता है कि अच्छा यहाँ पे एक किलो सौ ग्राम होता है सो हमारे वहाँ पे कैसा होता है उससे उस वो कंपेयर भी करते हैं सारी चीज़ें को ठीक है जनरली मतलब ऑलवेज नहीं जो अल अलबिरौनी थी ना उन्होंने डिस्टिंगटिव स्ट्रक्चर एक उनकी मतलब उनकी जो भी बुक हुआ करती थी ना उसका एक अलग ही तरीका होता था मतलब जो बुले हुए वो लिखते थे, थे वो अलग तरीके से उसको लिखते थे वो अपने तरीके से उसको लिखते थे मतलब बेसिकली क्या था उनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जब वो शुरू करते थे अपनी बुक को तो वो एक क्वेश्चन के साथ बिगिन करते कभी कभी हमारी बुक्स में भी ऐसा होता है राइट जब आप स्कूल की बुक्स भी देखते हो कोई चैप्टर देखते हो तो कोई चैप्टर एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हो रहा होता है राइट एन में भी ऐसे काफ़ी सारे स्टेट चैप्टर्स हैं उसके बाद जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन है ठीक है उनके बारे में वो दिख उसका एक, एक, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं उस चीज़ को और कल्चर के साथ कंपेयर करते हुए ठीक है कुछ ऐसे प्रेजेंट डे एसकल जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं ठीक है थीके? जो अलबरूनी थे वो अरबिक में लिखा करते थे और उनका जो वर्क था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ठीक है उन्होंने और ज्यादा ट्रांसलेशन करी हुई थी जैसे संस्कृत पाली प्राकृत टेक्स्ट को उन्होंने अरेबिक में जो उन्होंने ट्रांसलेट भी किया हुआ था ठीक है सो ही वॉज अ गुड ट्रांसलेटर एज वेल ठीक है सो अब हम पढ़ते हैं इबन बतूता के बारे में इबन बतूता रिहला ठीक है देखो इबन बतूता की अबिन देखो इबन बतूता की जो बुक ऑफ ट्रेवलर है जिसका नाम है रिहला ठीक है वो भी मतलब अरेबिक में ही लिखी गई है बट उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल्स है उस सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था ना उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिच और इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज उसमें हैं जहाँ पे वो हमारा सोशल और कल्चरल लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं फोर्टीन सेचर में ये सारी चीज़ हुई थी ठीक है सो वो एक मोरक्कन एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका बर्थ टहंगीर में हुआ था ठीक है और उनका मतलब उनकी जो फ़ैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड फैमिलीज थी बिकॉज उनका सबसे ज़्यादा उनका एक्सपर्टाइज़ इस्लामिक रिलीजन लॉज में हुआ करता था ठीक है जो इस, आ, इल, इल, इस्लामिक की जो भी रिलीज़स लॉ है उसमें उन्होंने एक्सपर्टाइज़ की होती है ठीक है so, सो जैसे ही उनका इतना जो इवन बतूता है उन्होंने भी अपनी फैमिली के ट्रेडिशन को ही फॉलो करा और उन्होंने वो भी मतलब उन्होंने लिटरली को लिटरली चीज़ें उन्होंने पढ़ी और स्कॉलेस्ट एजुकेशन भी उन्होंने गेन की जब वो काफ़ी ज़्यादा यंग हुआ करते थे ठीक है मतलब काफ़ी छोटी उम्र में ही ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंदर गेन कर ली थी ठीक है सो अब जो इबन बतूता है उन्होंने कंसिडर करा कर था कि उन्होंने ना उनको ये मानना था कि बुक्स के अलावा ठीक है हमें ना किसी भी पर्टिकुलर जगह की चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज जो है वो बुक से मिल सकती है बट ट्रेवल करना एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है क्योंकि उस क्योंकि आप जब ट्रेवल करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ठीक है सपोज आपके बुक में बताया गया है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल सपोज़ कि आपको वैसे आपको इतना बताया गया है कि जब आप फॉरेस्ट में हो तो अगर आप फॉरेस्ट में फंस गए हो तो आपको मतलब फ्रूट्स वगैरह खानी चाहिए बट जब आप ट्रेवल करोगे जब आप आगे बढ़ोगे जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब वो चीज़ें आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी राइट सो so डैट इज़ वाई उन्होंने बोला कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है उनका उनका प्रेमल मतलब एटीन थर्टी टू थ्री में उनका जो प्रेमल पिलग्रिमेज है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था ठीक है so सो अब बतूता जब वो सिंध सिंध में पहुँचे थर्टीन में तब उन्होंने एक सुल्तान मतलब दिल्ली के जो सुल्तान उस टाइम पे हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक उनके बारे में उनके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी थी उन्होंने ऐसा सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा जनरस पैटर्न है आर्ट्स और लेटर्स की ठीक है फिर उन, तभी वो मिलने उनसे दिल्ली की तरफ चले गए ठीक है दिल्ली के लिए वो निकल गए सो जब सुल्तान उनसे मिले तो उनकी जब इतने सारी उन्होंने स्कॉलरशिप देखी तो वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने उन्हें अपनी कोर्ट का जो है वो काजी बना दिया यानी कि जज उसने बना दिया जज ऑफ डेली ठीक है so, सो so, सो काफ़ी सालों तक वो उस पोजीशन में रहे उन्होंने बट कभी बीच में मैक्सिमम टाइम तो सारी चीज़ें उनके फेवर पे रहती थी बट जब उनका फेवर कभी गिर जाता था कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो उन्हें भी एक बार जो है जेल में डाला गया था बट जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हटाई गई तो सुल्तान जब क्लियर हो गए थे तब उन्होंने फिर से उनको एम्पेरियल सर्विसेज में बिठा दिया था ठीक है और थर्टीन देखो थे तो वो आफ्टर ऑल एक ट्रैवलर ही तो कितने टाइम तक जो है वो वैसे उसमें रह लेते राइट तो उनको जो ट्रैवलिंग ही ज़्यादा पसंद थी फिर 1342 में चाइना के सॉरी uh, 1342 में उनको ऑर्डर दिया गया कि वो मंगोल रूलर्स में मतलब चाइना के जो मतलब सुल्तान के अनवॉय बन के वो चाइना में जाए और मंगोल रूलर से जा के मतलब मिले ठीक है सो इस न्यू असाइनमेंट में जो बतू होता है सबसे पहले वो मालाबार कोस्ट गए सेंट्रल इंडिया से फिर वो मालदीव्स की तरफ गए जहाँ पे उन्होंने वो 18 मंथ तक रुके ऐसा काजी ठीक है बट इवेंचुअली उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्रीलंका की तरफ भी चले सो यहाँ पे भी वो ट्रैवल कर रहे थे फिर वो श्रीलंका की तरफ गए फिर वो फिर से मालाबार कोस्ट में और मालदीव्स में बाद में वापस आए ठीक है थीके? फिर बाद में जब वो चाइना गए सो चाइना के साथ उन्होंने बंगाल और असाम को भी विजिट करा ठीक है फिर उन्होंने फिर वो शिप से गए सुमात्रा ठीक है फिर उन्होंने एक और शिप लिया ताकि वो चाइनीज़ पोर्टाउन में जाके रुक सके ऑफ जैतून ठीक है फिर बाद में जब उन्होंने चाइना में काफ़ी अच्छा ट्रेवल कर लिया बीजिंग तक वो गए उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ अब मैं मुझे घर वापस चला जाना चाहिए कब 1347 में थर्टीन फोर्टी में वो अपने घर वापस चले गए थे ठीक है सो उनके जो अकाउंट्स है जो भी उनकी राइटिंग्स है जो भी उनके टेक्स्ट है उनको मार्को पोलो से भी कंपेयर किया जाता है जो कि चाइना जिन्होंने विज़िट करा था इंडिया भी उन्होंने विज़िट करा था वैसे तो ठीक है सो जो इबिन बतूता थे वो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को अपने सारे जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी बेसिकली वो ज़्यादातर ऑब्ज़र्वेशन उनकी होती थी कल्चर्स के ऊपर कि लोग क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं उसके बाद पीपल्स के ऊपर कि वहाँ के लोग कैसे हैं ठीक है बिलीव्स के ऊपर बिलीव्स मतलब लोगों की मान्यता है क्या है लोग क्या चीज़ें मानते हैं क्या चीज़ें नहीं मानते और उनकी वैल्यूज़ मानते नहीं मानते का मतलब है जैसे सपोज हम अपने अगर मैं ऐसे आपको बताऊँ कि जैसे uh, एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एक पर्टिकुलर जगह है दो जगह है ठीक है जगह ए और जगह बी सो आप मान लो कि जगह ए ऐसी है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बट बी जगह में मान्यता है कि मूर्ति पूजन ही श्रद्धा ज़्यादा मैटर करती है ठीक है so, सब लोगों की मान्यता अपने अकॉर्डिंग होती है ठीक है सो दैट आर बिलीव्स ठीक है सो so, देखो आज के टाइम पे हम देखें तो ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है बट उस टाइम पे ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा इजी नहीं हुआ करती थी सो so, इबन बतूता के अकॉर्डिंग उनको मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 दिन लग गए थे ठीक है और सिंध से दिल्ली जाने में उन्हें लगभग लगभग पचास दिन लग गए थे ठीक है फिर जब वो दौलाबाद से डेली की तरफ गए तो फिर भी उन्हें फोर्टी डेज़ का जो है वो टाइम उनको लग गया था ठीक है फिर जब वो ग्वालियर से दिल्ली की तरफ गए तब उन्हें दस दिन लग गए थे ठीक है सो आज के टाइम पे अगर आपको दिल्ली जाना है कि आप कहीं भी हो कहीं से भी अगर आपको दिल्ली जाना है तो मैक्सिमम आप अगर एरोप्लेन करते हो या फिर कुछ भी करते हो वैसे कि आपको एक दिन लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जाके एक दिन नहीं तो चार से पाँच घंटे बट उस टाइम पे देखो पचास पचास दिन लग जाया करते थे ठीक है सो इन बतूत ये भी बताते हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थी कई बार ऐसा होता था कि कई बार जो है रोबरी हो जाया करती थी वो उनका जो थोड़ा सा पैसा होता था वो उनसे चुरा लिया जाता था काफ़ी बार ऐसा होता था और हाँ इन्होंने ये चीज़ भी बोला कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते तब तो आप अकेले तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते वो ट्रैवल किस में करते थे कारवा में जो है वो ट्रैवल किया करते थे ठीक है सो और वो बहुत सारे लोग ग्रुप बना के जो है वो लोग जाया करते थे ऐसा नहीं था कि अकेले जाते थे बट फिर भी जो कारवा है उनमें अटैक हो जाते थे काफ़ी ऐसे उनके जो फेलो ट्रेवलर्स थे उनकी डेथ भी हो गई थी और काफ़ी ऐसे थे जो कि सर्वाइव कर गए थे ठीक है उनमें से इबन बतूता भी थे बट उनको सिवियली जो है चोटें लग गई थी ठीक है मतलब इंजरी उनको हुई थी ठीक है द इन्जॉयमेंट ऑफ करियोसिटीज़ uh, देखो जो क्यूरियोसिटीज होती है उसकी क्या इन्जॉयमेंट हो सकती है देखो इबन बतूता जो है वो ट्रैवल कर रहे थे ठीक है उन्होंने काफ़ी साल नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में ट्रैवल किया फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गए फिर वो चाइना में भी गए ठीक है फिर बाद में जो उनकी नेटिव लैंड थी यानी कि जहाँ के वो बिलोंग करते नेटिव क्या होते हैं नेटिवस हमने ना पुरानी क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है ठीक है so, सो नेटिव जो उनकी नेटिव लैंड थी यानी कि जहाँ वो पैदा हुए थे यानी कि मोरक्को ठीक है सो बाद में वो मोरक्को की तरफ चले गए थे ठीक है सो जब वो वापस आए सो so, उन्होंने देखा कि क्युं, उन क्योंकि वो इतनी सारी स्टोरीज लेकर आए थे जैसे हमने पढ़ा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब वो ट्रैवल उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे तो जब वो वापस आए तो वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और स्टोरीज़ लेकर आए थे अपने साथ ठीक है अब हम पढ़ते हैं फ्रांसिस ब्रिनियर के बारे में जो कि एक डॉक्टर थे अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस सो यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है देखो एक जब पॉर्टुगीज इंडिया में आए हमें यह भी पता है ना कि ब्रिटिशों से पहले पॉर्टुगीज ने भी इंडिया को हमारी कॉलोनी बनाई थी सो so पॉर्टीज़ जब इंडिया में आए लगभग इन फिफ्टीन ठीक है सो so, उन्होंने लिखा उन्होंने ना एक डिटेल अकाउंट दिया कि उस टाइम पे इंडियन सोशल कस्टम क्या हुआ करते थे और रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हुआ हुआ करते थे ऐसे काफ़ी जो है वो लोग आए ठीक है पुर्तुगीज से सो so, वैसे ही उनमें से एक थे जिनका नाम था जुइस रिबेरोतो ठीक है सो हाँ जिसी थब्रो तो नबीली ठीक है जो कि इंडियन टेक्स्ट को जिन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज़ में ट्रांसलेट करा उसके बाद उनमें से जो बेस्ट नॉन पोर्टिगेज़ राइटर है उनमें से एक है दुआारते बारबोसा जिन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा जब वहाँ पे वो, वो साउथ इंडिया के बारे में साउथ इंडिया में कैसा ट्रेड होता है साउथ इंडिया में कैसी सोसाइटी है उनके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा था ठीक है सब कुछ सो so, ऐसी ही बहुत एक फेमस फ्रेंच ज्वेलर है जिनका नाम था जीन पैपिस जीन बैप्टिस्टे टैवनियर ठीक है जबकि इंडिया में आए और लगभग छः मंथ तक वो यहाँ पे रहे उनको भी इंडिया का जो ट्रेडिंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ठीक है उन्होंने कंपेयर करा जब ईरान को ईरान और ऑटोमन एम्पायर से तो उनको इंडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ठीक है काफ़ी ऐसे ट्रेवलर्स थे जैसे इटालियन डॉक्टर मुनी की जो कि फिर जो कि यूरोप वापस ही नहीं गए वो आए तो ट्रैवल करने थे बट उन्हें इंडिया इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो इंडिया में ही सेटल हो गए और कभी यूरोप वापस ही नहीं गए ठीक है सो फ्रेंसोस ग्रीनियर जो कि एक फ्रेंचमैन थे और एक डॉक्टर थे ठीक है साथ साथ में एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे और एक हिस्टोरियंस भी थे ठीक है काफ़ी और लोगों की तरह वो भी मुगल एम्पायर की सर्च में आए थे बिकॉज उन्होंने ये सुना था कि मुगल एम्पायर में जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सो तो उन्होंने भी बोला कि हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो क्यों ना चले मुगल एम्पायर ठीक है so, सो वो इंडिया में लगभग बारह साल के लिए रहे फ्रॉम सिक्सटीन टू सिक्सटीन ठीक है सो ये मुगल कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे बिकॉज़ वो जो प्रिंस दारा शुको थे जो कि एम्प्र शाहजहाँ के सबसे एल्डस्ट सन थे वहाँ के एक फिजिशियन वो बने थे ठीक है बाद में वो एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट बने थे दनिश मैन खान के साथ एक अर्मेनियन आ, एक जो कि एक आर्मेनियन नोबल थे कहाँ पर मुगल कोर्ट में ठीक है सो जो ब्रिनियर था ब्रिनीर बर्नियर ब्रीनी, से उनका ना मेन मोटिव ये था कि वो कैसे इंडिया को बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कंपेयर करके इंडिया को मतलब बहुत ही लो लेवल में वो दिखा सके ठीक है so, सो उन्होंने इंडिया के काफ़ी पार्ट पर उन्होंने ट्रेवल करा ठीक है सो वो क्या करते थे वो इंडिया को और कौन सा इंडिया ये उस इंडिया को कंपेयर किया करते थे जब जो है ब्रिटिश राज भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था ठीक है सो वो उसको यूरोप की सिचुएशन से कंपेयर किया करते थे उस टाइम पे लुइस लुइस फोटीन जो कि फ़्रांस के उस टाइम पे किंग हुआ करते थे वो अपनी ज़्यादातर राइटिंग्स उन्हीं को जो है वो डेडिकेट किया करते थे ठीक है सब कुछ इनके और वर्क भी थे जो कि इन्फ्लुशल ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्रीज़ के फॉर्म में जो है वो पहुँचते थे ठीक है सो जब बर्नियर थे उन्होंने इंडिया को बताया कि इंडिया की बहुत ही ज़्यादा ब्लीक सिचुएशन थी यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर सिचुएशन थी अगर हम अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें अगर यूरोप में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे हम इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ब्लीक है ऐसा उनका मानना था ठीक है जैसे अभी हम देखेंगे ये जो असेसमेंट थी ये कभी भी जरूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो और ये नहीं थी एक्यूरेट नहीं थी ठीक है जब उनका वर्क पब्लिश किया गया सो जो ब्रीनियर थे उनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगी मतलब जो भी वो चीज़ें लिखा करते थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई ठीक है सो ब्रीनियर का वर्क पब्लिश किया गया फ़्रांस में कब सिक्सटीन सेवेंटीज़ और सेवेंटी वन में और बाद में उसको इंग्लिश डच जोमिन और इटालियन में भी कन्वर्ट कर को भी ट्रांसलेट कर दिया गया था आने वाले पाँच सालों में ठीक है सो सिक्सटीन सेवेंटी से 1725 ट्वेंटी फाइव के बीच में उनका जो अकाउंट्स है मतलब जो भी वो चीज़ें लिखते थे यहाँ पे अकाउंट का मतलब है उनकी बुक ठीक है उसको फ्रेंच में ही आठ बार रिप्रिंट किया गया और सिक्सटीन एटी फोर आते आते उसको तीन बार इंग्लिश में जो है वो रिप्रिंट कर दिया गया था ठीक है सो so, बट उस टाइम पे ये जो अरेबिक और पर्शियन जो चीज़ें थी बिकॉज अरबियन और पर्शियन जो मैंने वो हमेशा इंडिया की बड़ाई ही करते थे और ये बढ़ाई नहीं और ये एक ऐसा था कि जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जा रहा था ठीक है सो मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अलबिर एंड द संस्कृतिक ट्रेडिशन ठीक है हम फिर से अलबरूनी के पास आ रहे हैं सो so, अलबरूनी को काफ़ी मतलब वो अवेयर थे कि अगर उन्हें मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बैरियर है जिसके वजह से वो अच्छे से चीज़ें नहीं बता पा रहे अच्छे से चीज़ों को नहीं स्टडी कर पा रहे और उसका उन्होंने जो सबसे पहला ये ऑब्स्ट्रक्शन जो इन्होंने बताया बैरियर वो था लैंग्वेज ठीक है उनका मानना था कि संस्कृत को संस्कृत और संस्कृत और अरेबिक और पर्शियन जो वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है थीके? और अगर उनको संस्कृत को ट्रांसलेट करना है अरबिक और पर्शियन में ये बिल्कुल भी ज़्यादा ईजी नहीं होता था ठीक है जो सेकंड बैरियर वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ बिलीफ है और जो प्रैक्टिसेस है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है ठीक है फिर उनके अकॉर्डिंग जो लोकल पॉपुलेशन है वो चीजों को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती है ठीक है कोई भी नया आ, कोई आ जाता है तो उनको इतने अच्छे से वेलकम नहीं करते ठीक है सो so, ऐसे में जो अल है वो लोकल लोगों से जाके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे ना ही वो लोकल लोगों से जाके पूछ पा रहे थे ठीक है मतलब वो उनसे ही नहीं पता कर पा रहे थे ठीक है साल भर उन्होंने क्या किया वो उस टाइम पे जो भी ब्राह्मण्स थे उन्हीं के काम पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ठीक है जब फिर उन्होंने वेदाश पढ़ना शुरू करा ठीक है उन्होंने पुरानास पढ़ने शुरू करे उन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी ठीक है उन्होंने पतंजलि को भी स्टडी करा ठीक है क्योंकि वो चाह रहे थे कि कहीं से भी उन्हें बस पता चल जाए चीज़ों के बारे में फिर उन्होंने मनुस्मृति को भी पढ़ा ठीक है ताकि वो इंडियन सोसाइटी के बारे में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ इंडियन सोसाइटी है कैसी ठीक है अब जो अलबरूनी है वो कास्ट सिस्टम पे क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं ठीक है so, सो अलबिरनी अल बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ यही नहीं है सिर्फ इंडिया में नहीं है काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में जो है वो कास्ट सिस्टम है वो जब एंशेंट पर्शिया के बारे में बताते हैं कि एनशेंट पर्शिया में कैसे लोगों को डिवाइड किया गया था तो उधर भी फोर सोशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ठीक है एक तो नाइट्स और प्रिंसेस हुआ करते थे फिर आते हैं मोंग्स फाइव प्रीस्ट जो हुआ करते थे और लॉयर्स उसके बाद फिजिशियंस एस्ट्रोनॉमर्स और बाकी के साइंटिस्ट और एंड में जाके आते थे पिजेंट्स और आर्टिस अलग अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो मतलब ऐसा सोशल डिवीज़न होना इंडिया में रेयर नहीं है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये चीज़ें होती है ये और कंट्री में भी ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है ठीक है सेम टाइम पे वो ये भी बताते हैं कि अगर हम इस्लाम के बारे में देखें तो इस्लाम में लोगों को इतना डिवीज़न मतलब सोसाइटी में इतना डिविजन नहीं है इस्लाम में सिर्फ मैन को सिर्फ उनके पिटी के अकॉर्डिंग ही उनको जो है डिफ़र किया जाता है नहीं तो वो सारे जो है वो इक्वल ही हैं ठीक है सो सो so, so, ये जो बोला अलब्रा ठीक है मतलब देखो अल ये जो चीज़ें बोली सो अब इन चीज़ों ये जब उन्होंने कास्ट सिस्टम को बेसिकली एक्सेप्ट करा था ठीक है उन्होंने बोला कि ठीक है कास्ट सिस्टम है कोई बात नहीं बट वो एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूव करते थे वो थे नोशन ऑफ पोल्यूशन यानी कि अनटचेबल ठीक है सो जब उनको पता चला कि हाँ की एरिया में मतलब सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता है ठीक है जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें इनसे टच नहीं होना है बिकॉज हम क्या हो जाएंगे हम पल्यूट हो जाएंगे ठीक है मतलब बड़े कास्ट के लोगों को यह मानना था कि अगर हम अनटचेबल से टच करेंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे सब उनका यह मानना था कि कोई भी चीज़ इम्प्योरिटी हो ही नहीं सकती है अगर कोई भी अगर कहीं भी अम्प्योरिटी है तो उनकी उसकी ओरिजिनल कंडीशन ऐसी है कि वो खुद को प्योर बना देगा अगर कुछ भी चीज़ पोल्यूटेड है तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो उस पोल्यूटेड चीज़ को इम्प्योर सॉरी उस इम्प्योरिटी को हटा देता है जैसे जो सन है वो हवा को क्लीन करता है जो सॉल्ट है वो पानी को प्रिवेंट करता है कि वो पोल्यूटेड ना हो सो अल का ये मानना था कि लाइफ में जो भी चीज़ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर पोल्यूशन का कॉन्सेप्शन जो सोशल पोल्यूशन का कॉन्सेप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे सो अकॉर्डिंग टू देम पोल्यूशन मतलब नेचर के लोग के बिल्कुल अपोजिट है ठीक है उनका मानना था कि कोई भी पर्सन पोल्यूटेड नहीं हो सकता है ठीक है सो so, अलबिनई का जो डिस्क्रिप्शन है का सिस्टम पे वो काफ़ी जो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट थे उन पे लोगों ने स्टडी करनी शुरू करी ये सुनने के बाद ठीक है और अब लोगों ने ब्राह्मण्स ने जो चीज़ें बताई थी उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था ठीक है रियल लाइफ में ये जो सिस्टम था ये वैसे इतना कुछ इतना कुछ ज़्यादा रिजिट था नहीं जैसे कि जो कैटेगरी है जिसको जिनको अंत आजा बोला जाता था जो कि इन सिस्टम के बाहर थे ठीक है सो अब उनको भी जो है वो एक्सपेंसिव लेड इन एक्सपेंसिव लेबर जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जा रहे थे पीजेंट्स और जमींदार्स के थ्रू ठीक है ये सब कुछ हम एट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे अगर हम देखें तो अब ऐसा सोशल ऑपरेशन था नहीं वो खुद ही नहीं कर रहे थे ठीक है सो इकोनॉमिक नेटवर्क्स के अंदर ये जो है वो सारी चीज़ें इन मतलब उसके अंदर हुआ करती थी ठीक है इबन बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर देखो जब इबन बतूता डेली में आए फोर्टीन सेंचुरी में ठीक है सो वो जो है मतलब तब उन्हें पता चला कि देखो पहले वो इतना ट्रैवल करके आ चुके थे देखो वो चाइना से ट्रैवल करके आ चुके थे ठीक है फिर नॉर्थ वेस्ट में वो अफ्रीका में फिर वेस्ट की तरफ वो यूरोप में भी ठीक है सो जो इबन बतूता है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे चाहे वो लैंड हो फिर उन्होंने बहुत सारी सेकर्ड श्राइन्स को भी विज़िट किया था फिर जो लर्न मैन है और जो रूलर्स हैं उनके साथ भी वो जो है टाइम स्पेंड करना पसंद किया करते थे ठीक है जो काजी हुआ करते थे उनके साथ वो बात किया करते थे और ये जो कॉस्मोपोलिटिन कल्चर है इसके बारे में जो है ज़्यादा डिस्कस किया करते थे ठीक है ये अरेबिक परशियन टर्किश और और लैंग्वेज भी इनको आती थी तो उसमें भी ये इन्फॉमेसन को और ज़्यादा बढ़ाया करते थे, थे और अपने आइडियाज़ को भी शेयर किया करते थे ठीक है इसमें काफ़ी स्टोरीज़ थी आती थी जैसे मेन कैसे उनकी पिटी है उनकी हालत कैसी है उसके बाद किंग्स जो कि क्रूल भी थे जनरल्स भी थे ठीक है फिर ऑर्डनरी मैन और वुमेन कैसे रहती हैं कैसी जो अनफेमिलियर चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट करी थी ठीक है और वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि जो लिसनर्स है और जो रीडर्स हैं वो ईज़िली इनको पढ़ जो है समझ पाए ठीक है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वर्ड भी इसमें यूज़ किया करते थे द कोकोनट एंड द पान देखो अब बतूता की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी कि वो अपने लिसनर्स को जो भी उनकी ऑडियंस थी उनको उन चीज़ों के बारे में बताती थी जिनसे वो अभी बिल्कुल ही ज़्यादा अनफेमिलियर है ठीक है so, सो उनके बुक में पान और कोकोनट के बारे में मैंशन किया जाता था और लोगों को जब इनके बारे में पता ही नहीं था तो लोग इनके बारे में पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि हाँ इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे लिए नहीं है ठीक है सर इबन बतूता का ये मानना था कि हमारी सब कॉन्टीनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं जो भी सिटीज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है ठीके? जिनके पास रिसोर्स है जिनके पास स्किल्स है और जिनको उनको ड्राइव करना आता है उनके लिए तो ये सब कॉन्टीनेंट की जो सिटीज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थी और प्रॉस्पेरियस भी थी ठीक है वॉर्स वगैरह भी, भी इतनी ज़्यादा ही और इन्वेशनस भी है वो इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे ठीक है इबन बतूता ने काफ़ी सारी सिटीज़ के में वो गए और उन्होंने बताया कि कैसे जो स्ट्रीट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है स्ट्रीट्स में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी और कितना ब्राइट और कलरफुल मार्केट हुआ करता था बहुत क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होता है राइट हमें तो पता है कि हमारे इंडिया में हमारे सब कॉन्टिनेंट में कितनी वेराइटी ऑफ वर चीज़ें बनती थी ठीक है सो जब उन्हें बेचेंगे मार्केट में सो इमेजिन कर सकती कितनी रंग बिरंगे जब चीज़ें बिच बिक्री होंगी तो ऑफकोर्स वो कितना कलरफुल होगा ठीक है सर so, इबन इबन बतूता ने दिल्ली को बोला कि दिल्ली बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिटी है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में इतनी पॉपुलेशन और कहीं भी नहीं हो सकती है जितनी दिल्ली में है ठीक है फिर दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे भी इतनी लगभग इतनी ही जो है वो पॉपुलेशन हुआ करती थी ठीक है सो so, जो बाज़ार थे वो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की जगह नहीं हुआ करती थी जबकि वो वहाँ पे सोशल कल्चर्स का जो सोशल और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसका भी बाज़ार जो है वो हब हुआ करते थे काफ़ी सारे बाज़ार में मॉस्क और टेम्पल हुआ करते थे ठीक है सो वहाँ पे लोगों को समझाया जाता था लोगों को स्पेस के बारे में बताया जाता था और लोगों को ऐसी चीज़ें मतलब एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर स्पेस होता था जहाँ पे आ, डांसर्स परफॉर्म किया करते थे म्यूजिशियंस और सिंगर्स जो वो परफॉर्म किया करते थे ठीक है इवन बतूता पर्टिकुलरली इन टाउन्स के प्रोस्पेरिटी में को मतलब ऐसा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा उनका कंसर्न नहीं था ठीक है वो बस दिखाते थे कैसे टाउन्स में जो है बहुत सारी वेल्थ है बस उनको इसीलिए वो बस टाउन को बताते थे ठीक है कि मतलब विलेजेस में इतनी सारी सरप्लस होने के बाद कैसे लोग टाउन में आके उनको बेच देते थे ठीक है सो इबन बतूता को इबन बतूता को लगता था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है बिकॉज वहाँ क्योंकि वहाँ की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है ठीक है मतलब सॉइल की जो उपज है वो बहुत ही ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वहाँ की जो चीज़ है वो प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है जिसकी वजह से फार्मर्स एक साल में जो है वो दो क्रॉप्स भी कल्टिवेट कर सकते हैं ठीक है और जो सब कॉन्टिनेंट है वो इंटर एशियन नेटवर्क से भी काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक है सो जो इंडियन मैन्युफैक्चर है इंडियन में इंडिया में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है उनकी वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिमांड थी जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आता है और ये सारी चीज़ें इबन बतूता बता रहे हैं ठीक है अपनी बुक में ठीक है सो वो बताते हैं कैसे इंडियन टेक्सटाइल्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कॉटन फिर इंडिया का मुस्लिम बहुत ज़्यादा फाइन था फिर सिल्क हो गए फिर ब्रोकैड हो गए सटिन हो गए ये सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी इबन बतूता ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे मुस्लिम था इतना फाइन क्वालिटी का वो मुस्लिन हुआ करता था कि वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि सिर्फ जो रिच पीपल है और जो नोबल्स है वही उसको पहन सकते थे ठीक है रिच भी नहीं जो वेरी रिच लोग ठीक है सो so, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सो इबन बतूता ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ करता था ठीक है लोग कैसे बातचीत किया करते थे अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को कैसे एक्सचेंज किया करते थे ठीक है जो स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट उस टाइम पे जो भी राजा हुआ करते थे वो बहुत ही सारे ऐसे स्पेशल मेजर्स लिया करते थे ताकि मर्चेंट्स को इनक्रेज किया जा सके ठीक है देखो ट्रेड रूट्स तो ऑलरेडी थे बट उन्होंने और ज़्यादा उसको अच्छा बनाया और उनको जो है गेस्ट हाउसेस भी बनाए गए इबन बतूता काफ़ी ज़्यादा अम्मीज थी जब उन्हें पता चला कि इतना अच्छा पोस्टल सिस्टम की अवेलेबिलिटी है ठीक है इतना एफिशिएंसी है पोस्टल सिस्टम में जिसकी वजह से मर्चेंट अच्छे से जो है वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और क्रेडिट भी कर सकते हैं अक्रॉस डिस्टेंसेस ठीक है जैसे आज हम करते हैं राइट अगर आप आज से यहाँ से कुछ चीज़ मंगवा रहे हो ठीक है मान लो कि अगर आप डेली गए और आपको लगा कि हाँ मुझे एक चीज़ चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सो डेली में मुझे अच्छी अच्छी उसमें अमाउंट में वो चीज़ मिल जाएगा अफिशियट प्राइस में मिल जाएगा ठीक है तो आप ये देखिए क्या करते हो आप वो ऑर्डर देके चले जाते हो अपने घर ठीक है फिर बाद में पोस्ट पोस्ट के थ्रू आपकी वो पर्टिकुलर चीज़ आ जाती है वैसे चीज़ वो यहाँ पर भी बता रहे हैं ठीक है सर पोस्टल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अफिशियंट था और दिल्ली से सिंध जाने में फिफ्टी डेज तो उस चीज़ को लग ही जाते थे ठीक है सो अब uh, इतनी सारी रिपोर्ट्स हुई फिर कि सुल्तान ने इतना फास्ट कर दिया था पोस्टल सिस्टम को कि सिर्फ पाँच दिन में जो है वो पोस्टल सिस्टम काम करने लग गया था ठीक है सो बर्नियर एंड डिग्रेड एंड द डिजेनरेट एस्ट जैसे हमने पोला था कि बर्नियर का जो तो मेन मोटिव है जो बर्नियर थे वो बेसिकली ट्रेडिशन में कंपैरिजन करते थे और वो बस यही चाहते थे कि कैसे ना कैसे वो इंडिया को बहुत ज़्यादा लो दिखा दे और कैसे कैसे जो यूरोप है वो यूरोप को बहुत ही ज़्यादा हाई दिखा दे ठीक है सो वो ऐसी चीज़ों को मतलब कंपेयर किया करते थे ऐसे सिचुएशन में कंपेयर किया करते थे जहाँ पर वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग दिखा सके ठीक है so, सो ब्रिनियर की जो ब्रिनियर ट्रेवल्स यानी कि उनकी जो बुक है मुगल एम्पायर ब्रिनियर ट्रेवल्स इन मुग़ल एम्पायर उसमें वो एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं किसके ऊपर उनका डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो मुग़ल इंडिया है और जो कंटेम्प्रेरी यूरोप है उसको अगर हम कंपेयर करें सो कंटेम्प्रेरी यूरोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो मुगल इंडिया है उसमें तो कुछ भी नहीं है मुगल इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है ठीक है और वो बस बाइनरी अपोजिशन किया करते थे मतलब उन चीज़ों में ज़्यादा कंपेरिजन किया करते थे जहाँ पर यूरोप को ज़्यादा अच्छा दिखाया जा सके ठीक है सो वो हैरारकी बताते हैं वो हैरारकी बनाते हैं डिफरेंस और हैरारकी में वो जो ईस्टर्न एम्पायर है ये जो यूरोपियन एम्पायर है उसको ऊपर रखते हैं हैरारकी में ताकि इंडिया को वेस्टर्न एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर शो किया जा सके ठीक है सो वो ऐसा क्यों किया करते थे द क्वेश्चन ऑफ़ लैंड ओनरशिप ठीक है सो ब्रिनियर के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि मुग़ल इंडिया में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब मुगल इंडिया और यूरोप का अगर हम कंपैरिजन करें सो so एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा लैक है ठीक है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो लोगों के पास है ही नहीं उनका ये मानना था कि जो भी लैंड है वो पूरी या तो राजा के पास है या तो नोवल्स के पास है ठीक है मतलब अब लोगों के पास कुछ नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट यानी कि जो उनकी सरकार है और जो राजा है उनके पास जो है वो पूरी लैंड है उनका ये मानना था कि जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ नोबल्स के अमंग ही डिस्ट्रीब्यूटेड है जो नॉर्मल सोसाइटी है और नॉर्मल इकॉनमी है उनके पास कोई भी जो लैंड है वो नहीं है ठीक है ये जो प्रसप्शन है ये यूनिक नहीं था ब्रेनर के लिए ठीक है क्योंकि यही सेम चीज़ जो मैं सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में भी काफ़ी ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में देखने को मिली थी ठीक है सो उन्होंने बोला कि जो क्राउन ओनरशिप है ना लैंड की ब्रिनियर ने ऐसा बोला कि जो लैंड ओनर है लैंड होल्डर है वो अपनी लैंड अपने बच्चों को पास नहीं कर सकते होता क्या है जैसे देखो अगर आज अगर हम ऐसे बोले कि आपके पास जमीन है ठीक है मान लो कितनी भी जमीन है आपके पास तो आगे आने वाली वो जो जमीन है वो आपके बच्चे की हो जाएगी ठीक है जो आपका सक्सेसर होगा उसकी हो जाएगी बट ऐसा नहीं होता था वहां पर जब ऐस, क्या हुआ करता था कि जो भी लैंड है वो आगे जाके जो बड़े नोबेलिटीज है उनमें बढ़ जाया करती थी ठीक है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में ऑफकोर्स जो चेंजेस मतलब देखने को नहीं आ रहे थे क्योंकि लोग जो है आपस में चीज़ें बांट दे रहे थे तो मतलब प्राइवेट लोगों के पास कुछ नहीं था जो था वो सिर्फ नोबल्स के पास हुआ करती थी ठीक है सो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की इतनी एब्सेंस है सो so, अब जो लैंड लोड जो लैंड लॉड है वही इम्प्रूव होंगे जो लोअर जो लोअ कास्ट के लोग लो कास्ट की बोली मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे ठीक है सो उन्होंने बोला उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है और जो पीजेंट मतलब पीजेंट में अब लोग ज़्यादा जा रहे हैं एग्रीकल्चर को कम कर रहे हैं ठीक है so, सो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है मतलब आइस्टोक्रेसी को छोड़ के जो बाकी की सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन करती चली जाएगी इसी की वजह से ठीक है so, सो ब्रेन ने, ने डिस्क्राइब करा कि जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत ही अनडिफ्रेंशिएटेड मासिस है जहाँ पे मतलब उनका ये मानना था कि इंडिया में जो है वो बहुत ही मतलब गरीब लोग हैं और ना उनको कुछ आता है जो है बस मतलब उनका ये मानना था कि एक एक मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा पुअर लोग हैं या तो बहुत ही ज़्यादा रिचर लोग हैं मिडिल क्लास जो है वो वहाँ पे नहीं है और ये उनका मानना था और उन्होंने ये भी बोला कि जो मुगल एम्पायर है वो बेगर्स और बारबेरियंस का जो है वो राजा है मतलब जो भिखारी हैं उनके राजा है मुगल एम्पायर ठीक है उन्होंने बोला कि ये जो टाउन है जो सिटीज़ uh, हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हवा चलती है इसकी फील्ड इतनी ज़्यादा ख़राब है हर जगह बुशेज उगी हुई है और उन्होंने इनको क्या बोला पेस्टिलेंशियल मारिश उन्होंने ऐसा बोला सब पेस्टिलेंशियल मारिश का जगह होता है जहाँ पे जाके आपको मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाए जो कि की बहुत ही कीड़े वाली जगह है ऐसा उन्होंने हमारे मार्केट को बोला था ठीक है और उन्होंने बोला इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्राउड इतना ज़्यादा है और लैंड किसी के पास है नहीं ठीक है सो so, बाद में जब मुग़ल ऑफिशियल का डॉक्यूमेंट थे एक मुगल ऑफिशियल थे जिनका नाम था अब्दुल फजल सो so, उन्होंने बताया कि सिक्सटीन सेंचुरी में जो मतलब वो सिक्सटी अकबर के जो अकबर का जो राज चल रहा था उस टाइम पे वो एक ऑफिशियल क्रॉनिकल थे तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ही गलत है इन्हें लगता है कि जो हम रेवेन्यू इनसे लेते हैं ये लैंड रेवेन्यू होता है पर नहीं ये लैंड रेवेन्यू नहीं होता है बिकॉज हम लोग इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम आर्मी देते हैं ताकि ये लोग चैन से जी सके ठीक है so सो बस उसका हम रेंट ले रहे हैं ताकि हम जाके उस आर्मी को जो है लोग मैंटेन करके रख सके ठीक है कोई ऐसा लैंड का हम लोग रेंट नहीं ले रहे हैं और ना ही हम पैसे लेते हैं हम क्या लेते हैं बस जो आप उगाते हैं उसका दो परसेंट या पर्टिकुलर परसेंट लेते हैं ठीक है क्रॉप का सो so, उनको बोला कि जब तुम्हें पता नहीं था तुम लोग बोलते कि हो राइट हाफ नॉलेज इज नॉलेज ये जो है मतलब गुस्सा आ गया था इंडियंस को जब उनको ये सारी पता चली तो उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें बाहर निकाल दी थी ठीक है so, सो ये जो ब्रीनियस का डिस्क्रिप्शन था उसकी वजह से जो वेस्टर्न थियोरिस्ट थे उन वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे ठीक है एटीन सेंचुरी से ही ठीक है so, सो जो फ्रेंच फिलोसोफर थे जैसे कि मॉन्टेस्क्यू उन्होंने भी इन सारे अकाउंट्स का यूज़ करा ताकि वो बता सके कि कैसी जो है वो मतलब जो आप्यूट अथॉरिटी है ना वो उस पर सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया करते थे वो फालतू की चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं किया करते थे ठीक है सो वो जो आइडिया था और डेवलपमेंट का फर्दर डेवलपमेंट का वो और ज़्यादा बढ़ाया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा जब वो आए ठीक है सो उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो कॉलोनिज़्म के पहले वाली जो इंडिया थी वो इतना सरप्लस हुआ करता था उस स्टेट में इतना ज़्यादा सरप्लस हुआ करता था कि वो लैंड जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब इतना वहाँ पे मतलब तभी तो सोने की चिड़िया हमारे पास कहलाने लग गए थे हम लोग राइट क्योंकि कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की उस टाइम पे बिकॉज हम लोग इतना ट्रेड कर रहे थे इतना सरप्लस हम लोगों के पास हो जाता था ठीक है सो उन्होंने बोला कि कैसे छोटी सी छोटी विलेज कम्युनिटी भी अपना सरप्लस प्लस ला के टाउंस में बेचा करती थी इतना जो उस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ करता था ठीक है इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में जो रूरल सोसाइटी है वो कि वो सब मतलब उसमें जो है सोशल और इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ठीक है जहाँ पर जो बिग जमादार्स हैं वो काफ़ी सुपीरियर राइट्स भी तो इंजॉय कर रहे हैं लैंड में और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि लैंड ले उनको अनटचेबल लेबर्स बोला जा रहा था ठीक है बिग और जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनका डिफरेंस बढ़ता ही चला जा रहा था ठीक है और क्या कॉम्प्लेक्स और क्या कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं वो सोशल रियलिटी हमें कि जो जो भी आर्ट जो भी आर्टिस्ट हुआ है जो भी आर्टिस्ट है जो भी, भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको उनकी जो है लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है बिकॉज उनको इंसेंटिव ही नहीं वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा चीज़ ना वो बनाना चाह रहे हैं ना वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ठीक है बिकॉज उनको मोटिवेशन नहीं है लैक ऑफ इंसेंटिव की वजह से उनके पास मोटिवेशन नहीं है सेम टाइम पे वो बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हैं प्रीशियस मेटल है वो इंडिया में ही बनता है जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है ठीक है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर और छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी नहीं गोल्ड और सिल्वर के लिए ठीक है फिर और एक तरफ कितनी जो है कॉन्ट्रास्ट कंट्रास्ट ये चीजें हमें देखने को मिल रही थी ठीक है इनफैक्ट 15 सेंचुरी में लगभग जो 15% है पॉपुलेशन वो टाउन्स में रहती थी मतलब अर्बनाइजेशन था ठीक है तो जब अर्बन urban, अर्बनाइजेशन थी तो ये तो एक अच्छा पॉइंट था बट नहीं ब्रिनियर ने बोला कि जब मुगल सिटीज है ना ये ज्यादा कैंप टाउन्स हुआ करती थी कैंप टाउन मतलब जब वहां पे इंपीरियल कोर्ट आता था तब वहां पे जो है वो, वो टाउन बन जाते थे और जैसे वो चले जाती थी तो टाउन गिर जाते थे बट ये चीज़ गलत थी उनको चीज़ें नहीं पता थी वो बस कैसे ना कैसे करके गलत इंडिया को दिखाना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया ऐसा बताया बट ऐसा नहीं है इतनी अच्छी अर्बनाइजेशन थी हमारी और ये जो अर्बनाइजेशन है ये, ये यूरोप के कंपैरिजन में ज़्यादा थी तो उन्होंने ये फालतू की मनगढ़ंत कहानियाँ बना के सुनाने लग गई बट ऐसा नहीं था इतना अच्छा जो है ट्रेड हमारे यहाँ पे चलता था जो मर्चेंट्स है वो इतने ज़्यादा अमीर हुआ करते थे प्रोफेशनल क्लासेस को वो बिलोंग किया करते थे इतने अमीर मर्चेंट्स होते थे इतने स्ट्रॉन्ग वो लोग हुआ करते थे कि अपनी ही कम्युनिटी बना देते थे और अपना ही अपनी कास्ट ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ वो लोग बनाने शुरू कर देते थे ठीक है और उनको महाजन बोला जाता था और उनके जो चीफ थे उनको सेठ बोला जाता था ठीक है so सो वैसे ही ओबन सेंटर अहमदाबाद में भी है जहाँ पर महाजन ने एक मतलब जिनको जिन्होंने महाजन ने कलेक्टिवली एक चीफ को रिप्रेजेंट किया था ठीक है मतलब एक चीफ ने कलेक्टिवली मतलब इतने सारे बिकॉज वहाँ पे ये जो बोल सकते हैं महाजन हुआ करते थे इतनी अच्छी जो है वो हमारी मतलब अर्बन लाइफ हुआ करती थी बट इन्होंने तो गलत ही दिखानी थी ठीक है उसके बाद जो अर्बन ग्रुप्स है उसमें और भी ज्यादा प्रोफेशनल क्लासेस होती थी जैसे फिजिशंस टीचर्स लॉयर्स पेंटर आर्किटेक्ट्स म्यूजिशियंस कैलीग्राफर्स जो कि सारी जो है वो पैटर्नेज पर ही ज़्यादा ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करती थी ठीक है सो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है वुमेन्स स्लेब्स एंड लेबर सो so, देखो हमने देखा कि मेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बट वुमेन्स का हमें देखने को मिला कि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं है सो so, यहाँ पे जो मेन जो वुमेन्स है ना उनको ना स्लेव की तरह बेचा जाता था मतलब उनको हम बोल सकते हैं कि उनकी उनको मतलब एक कमोडिटी की तरह बेचा जाता था ठीक है so, सो जैसे इबन बतूता बताते हैं कि जब वो सिंध आए तब उन्होंने हॉर्सेस कैमल्स और स्लेव्स खरीदे ताकि वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को वो गिफ्ट कर सके ठीक है जब वो मुल्तान की सोच में जब वो मुल्तान की सोच में थे तब उन्होंने गवर्नर को एक स्लेव दिया ठीक है उन्होंने उनको एक हॉर्स दिए और रेजिंग और आर्म्स भी उन्होंने उनको दिए ठीक है एज अ सो so, मोहम्मद बिन तुगलक को एक बार इबन बतूता ब मतलब मोहब्बत बिन इबन बतूता को एक बार मोहब्बत बिन तुगलक ये बताते हैं कि वो अपने एक प्रीचर पे जिनका नाम था नसीरुद्दीन उन पर इतना ज़्यादा खुश हो जाते कि वो उनको वन हंड्रेड थाउजेंड लगभग एक लाख कोइंस देते और दो सौ नौकर देते हैं कि जाओ ये तुम्हारे नौकर हैं ठीक है सब अबन बतूता को ये समझ आने लग गया था कि हाँ स्लेव्स के बीच में जो डिफरेंस है ठीक है देखो जो कुछ फीमेल स्लेव्स थी उनकी सर्विसेज होती थी कि वो सुल्तान के लिए म्यूज़िक और डांस प्रिपेयर करे क्योंकि वो एक्सपर्ट होते थे और इबन बुतोता भी उनकी परफॉर्मेंस को इन्जॉय करते थे जब सुल्तान की सिस्टर की शादी थी उस टाइम पर ठीक है और यहाँ पर ना और काफ़ी ऐसे फीमेल स्लेव थी जिनको सुल्तान अपने नोबल्स को एज अ गिफ्ट दिया करते थे ठीक है बट बाद में बट वो उनको बेसिकली उनका मेन मोटिव ये होता था कि वो कैसे करके उन नोबल्स के ऊपर ध्यान रखें ठीक है कि नोबल्स क्या कर रहे हैं और आके जो है वो सारी चीज़ें राजा को बताएं ठीक है सो स्लेव्स बेसिकली डोमेस्टिक लेबर ही हुआ करते थे और इन बंद बतूता को भी मतलब उनकी सर्विसेज जो है वो वो देखते हैं कि ज़्यादातर जो ये नौकर है इनका इनको डोलिया और जो पालकी होती है ये उठाने के लिए ज़्यादातर इनको लिया जाता है ठीक है और जो फीमेल स्लेब्स थी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मतलब डोमेस्टिक लेबर के लिए होती थी और उनकी जो वेजेस है उनकी जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी ठीक है इतनी कम हुआ करती थी कि एक मिडिल क्लास की जो मतलब एक एक कोई भी एक फैमिली के पास एक या दो तो होती ही थी ठीक है सो तो इधर मतलब मैन और वुमेन की जो हम बोल सकते हैं जो वीटिस है वो भी इतना कम वहाँ पे हुआ करती थी ठीक है so, सो अब बर्नियर जो बर्नियर थे उन्होंने ना सती प्रैक्टिस का काफ़ी ऐसे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया और उन्होंने बताया कैसे कुछ वुमेन थी जो कि खुद ही जो है वो डेथ की में जाती थी काफ़ी उनको फोर्स किया जाता था ठीक है सो बेसिकली ये लोग जो होती है वो भी यही चाह रहे थे कि जो बुरे बुरे एस्पेक्ट है कंट्री के वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सके वो बताती थी कि जो वुमेन्स की लाइफ है वो सिर्फ सती की प्रैक्टिसेस के बिसाइड ही बिलोंग करती थी बट ऐसा नहीं था वुमेंस की लाइफ और भी बहुत खुश थी बिकॉज जब वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अपना क्रूशियल रोल देती थी और वो वो वुमेंस जो कि मर्चेंट फैमिलीज में बिलोंग करती थी जिनके बहुत ही बड़े बड़े मतलब मर्चेंट्स हुआ करते थे जिनके हस्बैंड्स वो भी इन सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प किया करती थी काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थी ठीक है और वुमेंस उन्होंने ऐसा बोला कि वुमेंस को जो है मतलब घरों के अंदर ही जो है प्राइवेट स्पेस में बंद कर दिया गया बट ऐसा नहीं था कोई कोई वुमेंस घर से बाहर भी आती थी उनके बारे में इन्होंने नहीं लिखवाया था ठीक है सो हमने यहाँ पे इस वीडियो में देख इस चैप्टर में देखा कि कैसे ट्रैवलर्स आए उन्होंने अप अपने अकाउंट्स लिखे और बताया डिफरेंट डिफरेंट जगह के बारे में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्लिंप्स दी ठीक है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने बताया अलग अलग लोग आए और उन्होंने बताया ठीक है उन्होंने ये बताया कैसे वुमेंस मैंस की हालत है ठीक है क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नई चीज़ें हैं क्या क्या लैंग्वेजेस है कैसे कैसे उन्होंने पता किया हम लोगों के बारे में ठीक है सो और कैसे कैसे उन्होंने अब अपनी बुक्स भी लिखी ठीक है सो यस इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है सो आई होप यू लाइक दैट थैंक यू थैंक यू वेरी मच